हाँ एक मिनट सब खड़े हो जाना, ये लाइव आ रहा हुआ, ये हमारे तरुण सेवा संस्था और एकता सेवा संस्था के तत्वाधान में आज हनुमान जी की जन्म दिवस के अवसर पर यहाँ हॉस्पिटल के अंदर बिस्किट का वितरण किया गया, जिसमें हमारे सेवा देने वाले हमारे जिला परिषद सदस्य अनीता जी पंड्या, हमारे महिला मोर्चा की कुसुमलता जी दोषी, समाज सेवी दिलीप भाई कलाल, दलीचंद जी बुनकर साहब, ये बहुत अच्छे समाज सेवी हमारे, इसके बाद हमारे सभी संस्थाओं के विपिन जी और बहुत से महिलाएं, और इसके अंदर बहुत सारी महिलाओं ने हमारा हिस्सा लिया। तो मैं आने एम पकड़ियो, अब हेतु कर फोटोग्राफी करो, मैं बोलता हूँ, एम एस हाई रख दो। ये थे हमारे एकता सेवा संस्था और तरुण सेवा संस्था के कार्यकर्ता, जिन्होंने आज हनुमान जयंती जन्म महोत्सव के उपलक्ष्य में यहाँ पे हॉस्पिटल के अंदर बिस्किट 500 बिस्किट के पैकेट लाए और 500 बिस्किट का पैकेट का वितरण किया। और आज हमने कलेक्ट्री के अंदर शुरुआत की है परिंदे बांधने की। ये परिंदे 5000 डूंगरपुर विधानसभा में बांधे जाएंगे। डूंगरपुर, सागवाड़ा, 84 और आसपुर विधानसभा, 5 चारों विधानसभा के अंदर ये परिंदे बांधे जाएंगे। और इसके जरिए छोटे जानवरों को, पशु पक्षी को राहत मिलेगी तपती गर्मी के अंदर, जो तड़प कर मर जाते हैं इनको जिलाने की हमारी ये संस्था भाई, हमारे विपिन जी संस्था से जुड़े हुए हमारे, और अनीता जी पंड्या जो जिला परिषद सदस्य, इनका काफ़ी अच्छा सहयोग रहा वहाँ पे। हमारे एसपी साहब के हाथों से हमने परिंदे बांधे, उनसे हमारे कुसुमलता जी दोषी कानून परिगण के है, सदस्य है, दिलीप भाई कलाल ओबीसी मोर्चा के महामंत्री है, भाई दलीचंद जी बुनकर युवा मोर्चा से है, ये सब अपना अपना परिचय बता रहे, अपना अपना नाम बोल रहे। आपका एक एक का नाम बता दो। माया दलीचंद जवाबदेही समिति सदस्य कुसुमलता दोषी डूंगरपुर, ओबीसी मोर्चा नगर महामंत्री दिलीप कुमार कलाल, जिला परिषद सदस्य अनिता बंडे, ये हमारे अल्पसंख्यक मोर्चा के महामंत्री का जिला महामंत्री शहजाद कपड़ा, और हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ रहें, यही हम भगवान हनुमान जी से कामना करते हैं। जन्मेजा नायक स्वाज्ञा एनजीओ डूंगरपुर से, ये सभी महिलाएं यहाँ पे हमारी सेवा, निःशुल्क सेवा दे रही है, इनके हम आभार व्यक्त करते हैं और धन्यवाद करते हैं। और इन्होंने जो हमारे कार्यक्रम में हिस्सा लिया, इनके बहुत बहुत हनुमान जन्म महोत्सव, जयंती नहीं कह सकते, जन्म महोत्सव, इधर है ना आगे, इधर है, इधर इधर चलो। ये हमारे पंड्या जी है, पंड्या जी हमारे डायरेक्टर है, आप लाइव आ रहा है, बोलो। अच्छा, आज जो कार्यक्रम का हुआ उसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। आज के कार्यक्रम का, मेरा नाम केएल पंड्या है, आज के जो कार्यक्रम में एकता सेवा संस्थान से और काफ़ी राजू भाई, अनिता मैडम और उनके सहयोग से हमारे जो राजकीय हरदेव जोशी में बिस्किट वितरण किया गया, इसके साथ में पक्षियों के पानी के लिए व्यवस्था के लिए परिंदे बांधे गए, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। यह हमारी महिला मोर्चा की जिला उपाध्यक्ष है संगीता जी रोत, ये आपको बोल। मेरा नाम संगीता रोत है और मैं युवा मोर्चा की जिला मंत्री हूँ, और हमें यहाँ पे मरीजों को मतलब बिस्किट वितरण करके हमें उनको ये हमारे अनीता जी पंड्या है जो आपको हमारी संस्थाओं के बारे में बताया कि जिन्होंने पूरा अमूल्य समय दिया। एकता सेवा संस्थान एवं तरुण सेवा संस्थान द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया, और उनके ऐसा सेवा का कार्य जो कि अनबोले पक्षियों के लिए पानी और दाने की व्यवस्था की गई, उसी के साथ स्थानीय राजकीय चिकित्सालय में मरीजों को बिस्किट वितरण करके उनको भी बहुत बड़ा दान के रूप में आज हनुमान जन्मोत्सव है इसको यादगार बनाने के लिए इस प्रकार उन्होंने आज का दिन बिताया, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे तरुण सेवा संस्था के हमारे अध्यक्ष है भरत जी पंचाल, ये भरत जी आपने ये जो आज कार्यक्रम किया उसके बारे में थोड़ी जानकारी बताइए। आज हनुमान जी की
जन पंचकार के हिसाब से हमने थोड़ा ये परिंदे बांधने का और मरीजों को बिस्किट वितरण करने का एक प्रोग्राम रखा है, इसको अच्छा सफल बनाने में। कुसुम लता जी, हाँ जी, आप बताइए संस्थाओं के बारे में, आपको निमंत्रण दिया तो इसके बारे आपने, में आपने राजू भाई ने हमको निमंत्रण दिया है कि कुसुम लता जी आपको आना है, परिंदे बांधने का प्रोग्राम रखा है, उसी समय हाँ के दी क्योंकि ऐसे काम में कौन चुके, नए काम में देरी क्यों। आज क्या क्या किया आज, आज कलेक्ट्रेट में परिंदे बांधे, एडिशनल SP और CI नहीं वो मनोज जी सामने के साथ, और अभी हॉस्पिटल में बिस्किट वितरण कायनिक वार्ड में दे रहे हैं, जच्चा बच्चा वार्ड में। ये थे हमारे तरुण, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद का आप, तरुण सेवा संस्था और एकता सेवा संस्था के सांझे में आज का ये प्रोग्राम आयोजित किया गया, इसके सभी कार्यकर्ताओं का हम धन्यवाद अर्पित करते हैं और आने वाले समय में इसी तरह हमें आप याद करते रहे, हम आपके साथ में आते रहेंगे और बहुत बहुत सभी का धन्यवाद। जय हिंद, सबका सहयोग। अब तो ये देंगे शेदाखा जी, आप कुछ बोलोगे? कार्यक्रम लगा सभी महिला मोर्चा को, सबको बुलाया सभी संस्था वालों को, और बड़ा अच्छा लगा और सभी बिस्कुट बांटे, ठीक है ना।